अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हसन नकवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के कर्म और फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था फ़िश की सफाई कैसे करते हैं और उसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका। इस व्लॉग में हम इसको मसाला लगाएंगे फ़िश को और स्टीम करेंगे। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना लहसुन। लहसुन के तकरीबन 30 से 35 जवे लेने हैं और 1.5 इंच का टुकड़ा हमने लेना है अदरक का। इसका हमें पेस्ट बनाना है। और कुंडी में बनाना है। पेस्ट हमारा तैयार हो गया हुआ। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन और ज़ीरा और कलवंजी। इसको हम पीसेंगे अब कुंडी में। अच्छी तरह पीसना है इसे। पीस लिया हुआ है, इसमें और मसाले ऐड करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च और गरम मसाला, काली मिर्च। सबसे पहले हल्दी, फिर नमक, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, काली मिर्च, लास्ट में हल्दी। अच्छा, मैंने 1 किलो फिश है मेरी, तो मैंने तकरीबन सारे मसाले 1 टीस्पून दिए हैं। तो आपकी जितनी फिश ज़्यादा होती है या जितनी मकदार है फिश के हिसाब से, अगर मसाला आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं फिर मसाले ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से तकरीबन सारे मसाले लिए। अब इसे पीस लेंगे। अब इसमें जाएगा लेमन जूस। ये तकरीबन 2 लेमन लिए थे, उनका जूस है। अब इसे डाल के मिक्स करेंगे। अच्छी तरह अब इसमें जाएगा सिरका, जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसे भी मिक्स कर लें। और फिश को इस तरह कट लगा लें आप नाइफ के साथ। अब सबसे पहले हम फिश को लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह लगाना सारी फिश को। कोई जगह खाली ना रह जाए। अंदर से बाहर से लगाना है लहसुन का पेस्ट।
इसमें मसाला लगाएंगे, अच्छी तरह मसाला लगाना है, कट लगाए इनके अंदर ही मसाला लगाना है। मसाला हमारा अच्छी तरह लग गया हुआ है, तकरीबन अब फिश को हम फ्रिज में रख देंगे जैसे 5-6 घंटे के लिए मसाला लगा के, फिर इसे निकालेंगे तो इसे स्टीम करेंगे। पाँच घंटे बाद मिलते हैं। हमारी फिश बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेट हुई है, ये देखें 6 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था, ये देखें 6 घंटे के बाद बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेट हुई है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे देचकी, उसमें हम डालेंगे पानी तकरीबन 2 लीटर, फ्लेम को हाई कर देंगे। इसमें रखेंगे अब जाली रखेंगे हम और पानी का बॉयल होने का इंतजार करेंगे। फिश को हम रैप कर लेंगे एल्युमिनियम फॉइल में। पानी का बॉयल आ गया हुआ, अब जाली के ऊपर रखेंगे हम फिश को। इसे डाल देंगे और तकरीबन 50 मिनट रखना है हमने स्टीम में इसको। ढक्कन के साथ हमने रुमाल लगाना है इसकी स्टीम बाहर ना आए। 50 मिनट बाद ओपन करते हैं इसे, फिर आपको दिखाते हैं। चार मिनट पूरे हो गए हैं, अब ओपन करते हैं इसे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिश को बाहर निकालते हैं चिमटे की मदद से। फाइल को ओपन करते हैं। माशाल्लाह हमारी फिश बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है आप भी ट्राई करें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है, ये देखें अंदर से जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।